बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की इस वीडियो में हम रीमेजरमेंट ऑफ लीज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लीज, ये दो कॉन्सेप्ट है जो कि IFRS 16 में डिस्कस किए गए, इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस को समझेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहती है कि रीमेजरमेंट ऑफ लीज ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ लीज में क्या फर्क है, तो इस डिफरेंस को हम बेसिकली यहाँ पे जॉट डाउन कर रहे होंगे। देखिए, रीमेजरमेंट ऑफ लीज का मतलब है रिविजन इन एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स दैट आर मेड ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ द लीज। होता यह है कि जब आप अपने लीज अरेंजमेंट को इनिशियली रिकॉग्नाइज कर रहे होते हो, तो आप बहुत सारे एस्टिमेट्स और बहुत सारे जजमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करते हो अपने लीज लायबिलिटी, अपने राइट टू एसेट के नंबर को वर्कआउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, कि अगर आपके लीज कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक्सटेंशन ऑप्शन है या टर्मिनेशन ऑप्शन है, तो इसको एक्सरसाइज करने या ना करने का अकॉर्डिंगली कोई ना कोई आप जजमेंट, कोई ना कोई एस्टिमेट क्रिएट करते हो। इसकी बेसिस पे आपकी लीज टर्म का नंबर डिसाइड हो रहा होता है। इसी तरीके से अगर आपके लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई बार्गेन परचेज ऑप्शन है, तो आप बार्गेन परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज करने या ना करने का एक डिसीजन या एक जजमेंट या एक एस्टिमेट क्रिएट कर रहे होते हो। आपने लीज कॉन्ट्रैक्ट में कोई रेजिडेंट वैल्यू गारंटी कर रखी है, तो एसेट की एक्सपेक्टेड रेजिडेंट वैल्यू को देखते हुए आपकी गारंटेड रेजिडेंट वैल्यू के अगेंस्ट जो कैश आउटफ्लो हो सकता है, उसकी अमाउंट को आप एस्टिमेट कर रहे होते हो। अब आपके ओरिजिनल लीज कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए जो आपने इनिशियली एस्टिमेट्स और जजमेंट्स किए हैं, सब्सिक्वेंटली अगर इन जजमेंट्स और एस्टिमेट्स में चेंज आ जाए, फॉर एग्जाम्पल हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट में एक बार्गेन परचेज ऑप्शन है, हमने इनिशियली डिसाइड किया कि हम इसको एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे, और आने वाले वक्तों में हमारा डिसीजन चेंज हो गया, या फॉर एग्जांपल हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक्सटेंशन ऑप्शन या टर्मिनेशन ऑप्शन है, हमने इनिशियली डिसाइड किया कि हम इसको एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे, और आगे जाकर हमारा डिसीजन चेंज हो गया। ये वो चीजें हैं जो कि आपकी लीज को रीमेजर कर रही है आपके जजमेंट्स और आपके एस्टिमेट्स के चेंज होने की वजह से। यानी कि कहने का मतलब यह कि अगर हम लीज कॉन्ट्रैक्ट के ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की बाउंड्रीज में रहते हुए अपने जजमेंट्स और एस्टिमेट्स को चेंज करते हैं, हम अपने बार्गेन परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज करने या ना करने का डिसीजन चेंज कर दे, हम लीज टर्मिनेशन ऑप्शन या एक्सटेंशन ऑप्शन को एक्सरसाइज करने या ना करने का डिसीजन चेंज कर दे, या फॉर एग्जांपल कोई रेजिडेंट वैल्यू में चेंज आने की वजह से गारंटेड रेजिडेंट वैल्यू की अगेंस्ट अमाउंट पे करने का जो एक्सपेक्टेशन या एस्टिमेट्स है वो हमारी चेंज हो जाए, या फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कोई वेरिएबल लीज पेमेंट है जो कि किसी इंडेक्स या रेट पे डिपेंडेंट है, और सब्सिक्वेंटली इंडेक्स या रेट चेंज होता है, तो हमारी वेरिएबल लीज पेमेंट्स के आउटफ्लोज भी चेंज हो रहे होंगे। तो ये सारी वो चेंजेस हैं जो कि ओरिजिनल लीज कॉन्ट्रैक्ट की बाउंड्रीज के अंदर ही है, हमारे एस्टिमेट्स और जजमेंट्स के चेंज होने की वजह से आ रही है। तो ये सारी चीजें रीमेजरमेंट ऑफ लीज के कॉन्सेप्ट को ट्रिगर करेगी और इसको एक वे में अकाउंट फॉर किया जाएगा। इसी के अगेंस्ट जो मॉडिफिकेशन ऑफ लीज का कॉन्सेप्ट है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीज के कॉन्सेप्ट में आप लीज कॉन्ट्रैक्ट के ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की बाउंड्रीज से बाहर जाते हो, लेसोर्स के साथ डिस्कस करते हो, लेसोर की अप्रूवल लेते हो, और आप अपने लीज कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप कंसिडरेशन या स्कोप एंड कंसिडरेशन दोनों को ही इंक्रीज या डिक्रीज या दोनों को ही चेंज कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल आपने नंबर ऑफ एसेट्स लीज पे लिए, फिर आगे जाकर आपने लेसोर के साथ दोबारा डिस्कशन करके नए लीज एसेट्स अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर दिए, या कुछ एग्जिस्टिंग लीज एसेट्स को आगे जाके डिक्रीज कर दिया, या फॉर एग्जाम्पल आपने एक डिसाइडेड पीरियड के लिए एक लीज एग्रीमेंट किया, लीज टर्म डिसाइड की, आगे जाकर लेसोर की अप्रूवल, लेसोर के साथ डिस्कशन करके आप अपने लीज टर्म को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हो, या फॉर एग्जाम्पल आपके लीज के रेंटल्स डिसाइडेड है, आगे जाकर लेसी और लेसोर के दरमियान डिस्कशन होती है और लीज पेमेंट्स चेंज हो जाती है। तो वो चेंजेस जो ओरिजिनल लीज कॉन्ट्रैक्ट की बाउंड्रीज से बियॉन्ड जाकर जिनके लिए हमें लेसोर की अप्रूवल, लेसी की अप्रूवल लेनी पड़ती है, ये चीज आपकी मॉडिफिकेशन ऑफ लीज कंसिडर की जाएगी। रीमेजरमेंट ऑफ लीज को एक अलग तरह से अकाउंट फॉर किया जाता है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीज को एक अलग तरह से अकाउंट फॉर किया जाता है। इंशाल्लाह किसी वीडियो में हम रीमेजरमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ लीज के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।